नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नीड फॉर अ न्यू सेल. वॉट इज़ द नीड फॉर अ न्यू सेल? न्यू सेल नीड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. फॉर ग्रोथ, मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगिन देयर लाइफ इन अ सिंगल सेल, दैट इज़ द फर्टिलाइज्ड एग. द सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच स्टार्ट शेपिंग फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गेन. दस सेल डिविजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड करके नई सेल्स बनाएं. तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए टिश्यू और ऑर्गन बनाता है, इसे ग्रोथ कहते हैं. यानी कि सेल का साइज में भी बढ़ना और वॉल्यूम में बढ़ना ग्रोथ होता है. मीन्स इंक्रीज इन मास एंड साइज और एंड नंबर ऑफ अ सेल इज नोन एज ग्रोथ. ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है. अगर क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वो नॉन लिविंग की ग्रोथ है, पर सेल जो है उसकी मेन लिविंग प्रॉपर्टी है ग्रोथ. सेकेंड वन इज़ फॉर रिप्लेसमेंट. देयर इज ऑलवेज अ वियर एंड टीयर ऑफ सेल ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, 2 मिलियन रेड सेल्स RBCs इन आर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड. दीज आर रिप्लेस बाई न्यू सेल्स फॉर्म थ्रू अ डिविजन ऑफ देयर पेरेंट सेल इन द बोन मैरो. इन प्लांट द ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स फॉल ऑफ एंड न्यू वंस ग्रो आउट. तो जब कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तब भी नई सेल्स बनती हैं. हर सेल की एक लाइफ स्पैन होती है, एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद उसकी डेथ होती है और दूसरी सेल्स उसकी जगह ओरिजिनेट होती हैं. फॉर एग्जांपल, जो हमारी बोन मैरो हैं, जैसे फीमर, थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन, तो इसके अंदर जो होल होता है उसकी सरफेस से, इनर सरफेस से ब्लड सेल्स बनती हैं. रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो से RBCs एंड WBC का प्रोडक्शन होता है. WBC हैव लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 5 days और 1 week एंड RBCs हैव 120 days. तो आफ्टर दैट दे फॉर्म अगेन. डिस्ट्रॉयर्स जो सेल होती हैं उनको स्प्लीन रिजर्वायर है और उससे वॉर्न आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. थर्ड वन इज़ फॉर रिपेयर. अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, देयर मे बी एक्सीडेंटल इंजरीज. वन मे गेट कट इन द स्किन और फ्रैक्चर इन द बोन. रिपेयर ऑफ सच इंजरीज इज अगेन थ्रू सेल्स विच डिवाइड, कवर अप एंड द गैप एंड जॉइन द ब्रोकन एंड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्किन में कहीं कट लग जाता है तो 1 week में वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए दोबारा बन जाती हैं. इन सेल डिवीज़न फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम एट ईच डिवीज़न. तो सेल जो न्यू बनती है उनमें क्रोमोसोम नंबर वही होता है जो पहली वाली सेल्स में था, पेरेंट सेल्स में. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, ऑल बॉडी सेल्स मीन सोमेटिक सेल्स लाइक सेल्स ऑफ हैंड एंड लेग, द क्रोमोसोम नंबर इज 23 पेयर्स इन ईच सेल. द क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द डॉटर सेल्स. दिस काइंड ऑफ डिवीजन विच अकर इन द बॉडी सेल एक्सेप्ट इन द एग प्रोड्यूसिंग ओसाइट, दैट इज इन ओवरीज, एंड स्पर्म प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटोसाइट, दैट इज इन टेस्टिस, इज नोन एज माइटोसिस. तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो हमारी सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल्स में होता है और इससे ग्रोथ होती है बॉडी की. ये सेल्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती हैं. प्लांट के केस में सोमेटिक सेल्स बॉडी सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं. इन केस ऑफ माइटोसिस, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर द सेम दैट ऑफ पेरेंट सेल. अब पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम हैं तो दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगी दोनों में 10-10 क्रोमोसोम्स होंगे. फोर्थ वन इज़ फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल. अमीबा और बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बाई माइटोसिस. इन हायर फॉर्म्स एज इन ह्यूमन्स और इन द बैनियन ट्री, स्पेशल सेल इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अंडर गो ए स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग. द स्पर्म एंड एग रिसीव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू फॉर देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर. दिस रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट. तो मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जिससे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है. पेरेंट सेल में जब मियोसिस होती है तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं दे आर 4 इन नंबर्स एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ इन दीज डॉटर सेल्स इन कंपेरिजन टू पेरेंट सेल. इफ पेरेंट सेल हैव 10 क्रोमोसोम देन ऑल 4 डॉटर सेल्स कंटेन 5 5 5 5 क्रोमोसोम्स. मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन,
तो फिर से वो बैलेंस हो पाएगा, क्रोमोसोम का नंबर जायगोट में एन प्लस एन फिर से 2n हो जाएगा जैसा कि पेरेंट सेल में था। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्लांट में भी ऐसा ही है, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जब मिलते हैं तो उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ होता है, मिलकर जायगोट में क्रोमोसोम फिर से उतने ही हो जाते हैं जितने कि पेरेंट सेल में थे, बॉडी सेल्स में थे, जैसे फ्लावर में, रूट में, स्टेम में, लीफ में, ऐसी एनिमल सेल के केस में होता है। तो हर पेरेंट सेल में 20, एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पेरेंट की हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन स्पर्म में केवल 23 क्रोमोसोम है और एग में भी 23 क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज़ करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में तो जायगोट बनेगा, तो उसमें वापस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिससे किसी भी स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है, फिक्स रहता है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर एक भी क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाता है तो डिजीज़ हो जाती है, जिसे सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैन, बॉडी सेल्स कंटेन 46 मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2n और 2x, एंड इन केस ऑफ वेमेन 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2n इन केस ऑफ बॉडी सेल्स। वाइल इन सेक्स सेल्स स्पर्म एंड एग मैन कंटेन 23 सिंगल, दैट इज n क्रोमोसोम इन स्पर्म, एंड इन केस ऑफ वेमेन 23 सिंगल मीन्स n मीन्स x 23 पेयर क्रोमोसोम। When fertilization occurs between sperm and egg, then 23 plus 23 gives 46. That is 23 pairs of chromosome. That is 2n. So new baby, embryo, fetus have 23 pairs of chromosome again. Now I am talking about need for a new cell. What is the need for a new cell? New cell need to be